Welcome back to the online classes of English. Today we are going to see a very sensitive story. The name of the story is Madam Rides the Bus. This story is written by Vallikkannan. Let's have the introduction of this story. ये स्टोरी एक छोटी सी गर्ल के बारे में है जिसका माइंडसेट और साइकोलॉजी डिस्कस किया जाता है। ये जो वर्ल्ड है उसके लिए बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस है। ये रोज सड़क पे खड़े होकर आती और जाती बसों को देखती है और इनको बड़ा ही क्यूरियोसिटी है बस राइड का। एक बार वो एक कंडक्टर को बुलाती हैं, कुछ पैसे कलेक्ट करती हैं और जाती हैं आउटिंग के लिए टाउन में बस में बैठ के। वहाँ जाते समय रास्ते में वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस दिखाती हैं। जाते समय वो एक काऊ को देखती हैं और वापस आते समय जब वही काऊ उनको सड़क पे मरी हुई मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर और सेंसिटिव सा बिहेव करने लगती हैं। पूरे रास्ते भी किसी से उन्होंने फालतू बात नहीं की थी। एक छोटी सी 8 साल की लड़की की इतनी सिंसियरिटी इस स्टोरी में दिखाई गई है और ये भी दिखाया गया है कि कैसे छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और मैच्योर हो सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। ना सिर्फ वो टाउन जाती हैं बल्कि टाउन से आराम से वापस आ भी जाती हैं। तो इफ़ यू सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी, द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी इज दैट मैडम राइड्स द बस इज अ स्टोरी अबाउट ब्रेव 8-year-old गर्ल हु हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड अलॉन्ग विद इट स्ट्रॉन्ग करेज टू फुलफिल हर डिजायर। She liked gazing at the streets. Her favorite pastime was arriving and departure of the buses. She developed a desire to travel by bus. और इसीलिए जब उनकी मम्मी आफ्टरनून नैप ले रही होती हैं उतने में वो कैलकुलेट कर लेती हैं कि जाने और आने में कितना टाइम लगेगा और वो जाके आ भी जाती है एंड nobody knows about it without her mother's knowledge even. Let us start the text reading. Madam Rides the Bus by Vallikkannan. Before you read, it is told that ये story काफ़ी sensitive story है एक 8 साल की लड़की की जिसकी ये first bus journey है ऐसे world में जिसको उसने देखा भी नहीं, जो outside her village है और जिस life के बारे में वो जानती भी नहीं है। The life, the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there's death and she's trying to understand it. So let us start the story. First part. There was a girl named Valiyammai who was called Wally for short. Naam kya tha 8 saal ki ladki ka? Valiyammai, and she was called Wally for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in front of the doorway of her house and watching what was happening in the street outside. Uska favorite pastime tha bahar khade hokar bahar ki taraf dekhna. स्ट्रीट पे क्या हो रहा था। देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू। उनकी उम्र का कोई प्लेमेट नहीं था उनकी स्ट्रीट में और इसलिए यही इनका पास टाइम था। बट फॉर वाली इट वॉज मोर इन्जॉयबल। ये ज़्यादा इन्जॉयबल था किसी भी गेम से जो चिल्ड्रन खेलते थे, क्या फ्रंट डोर पे खड़े होकर वॉचिंग द स्ट्रीट। और ये सिर्फ स्ट्रीट नहीं देखती थी, बहुत सारे अनयूजुअल सी चीज़ें जो लोगों के साथ हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, वो सब नोटिस करती थी। तो बेसिकली वो क्या कर रही थी, लोगों का लाइफ रीड कर रही थी और ये काम उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। इन इंटरेस्टिंग कामों में से जो मोस्ट फैसिनेटिंग था वो क्या था, वॉज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। एक बस वो विलेज से उनके पास वाले शहर तक जाती आती थी, वो हर घंटे आती और जाती रहती थी, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। इस बस का साइड देखकर वो हर बार नए सेट ऑफ पैसेंजर्स जो देखती थी, ये अनएंडिंग जॉय होता था वलियम्माई के लिए। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और रोज़ वो देखती थी इसी बस को आते और जाते और धीरे धीरे एक विश उनके मन में डेवलप हो गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन If just once, शायद एक बार ही, लेकिन वो जाना तो चाहती थी। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. जब ये पहले तो सिर्फ हल्का सा उनको wish होता था, अब ये overwhelming desire हो गया था, एक uncontrollable desire इनके heart का,
जो ये क्या नहीं कर पा रही थी, कंट्रोल नहीं कर सकती थी, एक्सेसिव, ओवरवेलमिंग का मतलब एक्सेसिव डिज़ायर हो गया था। तो अब इनको एक बस राइड लेना था, ये श्योर हो गया था इनके दिमाग में। द विश बिकेम स्ट्रॉगर एंड स्ट्रॉगर एंटिल इट वॉज ओवरवेलमिंग डिज़ायर। वली वुड स्टेयर विस्टफुली, वली क्या करती थी, विस्टफुली मतलब लॉन्गिंगली, सैडली खड़े होकर देखती थी, क्या देखती थी, एट द पीपल हु गॉट ऑन एंड ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर। जब वो स्ट्रीट कॉर्नर पे बस रुकती थी तो जितने लोग चढ़ते या उतरते थे सबको देखती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स एंड होप्स। किंडल मीन्स सेट अ लाइट, मतलब यहाँ पे फियर, उसकी जो फीलिंग्स है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती थी, ठीक है, उन लोगों को देखकर। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और अगर कोई भी जो शहर गया है और आकर इस शहर के एक्सपीरियंस के बारे में वलिया माई को बताता था तो वो बड़े ही तेज शब्दों में चिल्ला के चुप करा देती थी उनको। क्या चिल्लाती थी, इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, बड़ा घमंडी। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it as often as slang expression of disapproval. Slang expression मतलब जो informal है, मतलब कोई चीज़ जो आपको पसंद ना आई हो उसको जताने के लिए often लोग जो words use करते हैं वो, पर इसका meaning ना उनको ना उनके friends को पता था। Over many days and months, Wally listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. She also asked a few discreet questions here and there. और लोगों की conversations को ध्यान से सुन के रिकॉर्ड करती थी, प्लस खुद भी कुछ ना कुछ सवाल पूछ लेती थी। The way she picked up the various small details about the bus journey, और इसी तरह से वो हर छोटी से छोटी डिटेल उस बस जर्नी के बारे में इकट्ठा कर ली थी। The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paise one way. अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, कि जो टाउन था वो कितना दूर था, 6 miles, एक तरफ का किराया 30 paise, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लोग कहते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, तो एक बहुत अच्छा खासा आदमी कहता है वाली से, हु स्केयरली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्चून। और ये एक महीने से दूसरे महीने तक शायद ही इतना पैसा देखती, तो उनके लिए ये तो बड़ी किस्मत वाली बात हो गई कि अगर इतना पैसा मिल जाए तो। ऑन रीचिंग ट्रिप टू टाउन इट took 45 minutes, और वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता था, 45 minutes, ठीक है। एंड इफ़ शी स्टेड ऑन हर सीट, अगर वो अपनी सीट पे ही बैठी रहे वहीं पर और वहीं से फिर 30 paise देकर वापस आ जाए, तो जैसे पैसेंजर्स भर जाएंगे वो बस फिर से कहाँ जाएगी, वापस गांव आ जाएगी। दिस मेंट कि अगर वो 1 o'clock वाली आफ्टरनून बस ले तो वहाँ पे 1:45 पे पहुँच जाएंगी और वापस होम आ जाएंगी अपने 2:45 तक। तो सारी कैलकुलेशंस वाली माई 8 साल की लड़की ने कर लिया था। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड, रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड, रीप्लान्ड। फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया, अब जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी वलिया माई ने इकट्ठा कर ली थी। नाउ वेल वन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग। एक दोपहर की बात है, स्प्रिंग का मौसम था और बस एकदम मोड़ पे थी जाने वाले मेन हाईवे पे। तब तक कोई पीछे से आवाज़ देता है, स्टॉप स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली, और कमांड करने के स्टाइल व अंदाज में एक हाथ छोटा सा उठा और वो रोकने को कहा बस को। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, बस रुक गई, एकदम स्लो हो गई। क्रॉल करना मतलब जैसे धीरे धीरे रेंगना। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर एंड सेड, हरी देन टेल हूएवर इज टू कम क्विकली, जो भी कोई है उसको कहो जल्दी आए। इट्स मी, शाउटेड वली, आई एम द वन हू हैज टू गेट ऑन, बाय नाउ द बस हैज कम टू स्टॉप। ओ रियली, यू डोंट से सो, तो कहता अब तो बस रुक गई थी, तो कहती हैं हम हैं जिसको जाना है। तो कहता है अच्छा ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मत कहो कि तुम अकेले जाओगी, अभी 8 साल की छोटी सी लड़की। यस आई सिंपली हैव टू गो टू द टाउन, सेड वाली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर्स माई मनी, और ये मेरा पैसा है, ऐसा नहीं कि मुझे फ्री में जाना है। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ऑन अ हैंड टू हेल्प हर अप, तो एक हाथ आगे बढ़ाता है कि ताकि उनको हेल्प करके उठा ले। तो कहती है नेवर माइंड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चढ़ सकती हूँ।
और कंडक्टर तो बिल्कुल थोड़ा सा जॉकिंग वाला नेचर का भी था और उनको बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। ओ प्लीज डोंट गेट एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, एंड ही सेड हियर हैव अ सीट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज मेक वे फॉर मैडम। और जोकिंगली क्या बुलाने लगा ये मैडम, जिसको वलियम माई को कंडक्टर बुलाने लगा कि मैडम के लिए प्लीज़ रास्ता बनाइए। इट वॉज स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम मतलब सुबह ज़्यादा भीड़ होती है या शाम को, तो दोपहर में कौन आ जाएगा, तो पैसेंजर्स ज़्यादा नहीं थे, 6-7 पैसेंजर थे कुछ। दे ऑल वर लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और जोक मार मार के सब हंस रहे थे। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, शी वॉक्ड क्विकली एंड सैट ऑन द सीट। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर पूछता है मैडम क्या अब हम चलें, और देन ही ब्लू द विसल टॉयज एंड द बस स्टार्टेड। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट एंड विद सम ग्रीन स्टिक। अब ये छोटी छोटी डिटेल्स जो वाली अम्मा नोटिस करी है, नई बस थी, उसका जो बाहर था वो ग्लीमिंग शाइनिंग वाइट से पेंटेड था, कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स भी बनी हुई थी उसे साइड में, और इनसाइड जो ओवरहेड बार्स थे जो पकड़ने हाथ में पकड़ा जाता है, वो बार्स भी बिल्कुल न्यू थे, सिल्वर जैसे चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, और फर्स्ट सीट पे बैठी थी तो जो विंडशील्ड थी वहाँ पे ब्यूटीफुल सी क्लॉक लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, वली डिवाउड एवरीथिंग, और ये सब कुछ वो नोटिस कर रही थी, हर छोटी बड़ी डिटेल जो है वो पढ़ रही थी, देख रही थी, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा जो है डिज़ायर था जो पूरा हो रहा था, क्या, बस में ट्रैवल करना। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, वली डिवाउड एवरीथिंग विद हर आइज, बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो। पर वो क्योंकि छोटी थी तो जैसे विंडो के नीचे थोड़ा सा कैनवस लगा होता है शीशे को होल्ड करने के लिए, तो उसकी वजह से इनका व्यू जो है वो कट हो रहा था, इसलिए वो जो है सीट पे खड़ी होकर और फिर देख रही थी उस जो एरिया उनको ब्लाइंड कर रहा था उसके ऊपर से। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल, द रोड बहुत नारो था, पतली सी सड़क थी, एक साइड पे क्या था, एक साइड पे कैनल था और दूसरे साइड पे दूर दूर तक पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंस माउंटेन और ब्लू ब्लू स्काई। ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड। अब आप सोच ही सकते हैं, इमेजिन करिए कैनल है, उसके उधर कभी आप अगर पास करते हैं किसी ब्रिज से, रिवर है वहाँ पे, और एक साइड पे दूर दूर तक जो है लैंडस्केप है, तो एकदम वही नज़ारा था वली के लिए, और वली देख रही थी। Oh, it was so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen child, you shouldn't stand like that. Sit down. और वो बहुत enjoy कर रही थी और अचानक से कोई वॉइस ने उनकी enjoyment को टोक दिया कि बच्चे ऐसे मत खड़े हो, सही नहीं है। Sitting down, she looked to see who had spoken. और बैठते हुए वो देखती हैं कौन बोला, और वो एक बुढ़ा सा आदमी था जिसने honest concern दिखाया कि छोटा बच्चा है गिर जाएगा, पर उनको तो गुस्सा आ गया। There's nobody who's a child here. I have paid my 30 paise like everyone else. तो कहती है कि देखो यहाँ कोई बच्चा नहीं है, आपको ज्ञान नहीं देना है, जैसे सबने 30 पैसे दिए मैंने भी दिए, अब मैं अपनी सीट पे खड़े हूँ, बैठूँ, जो मन करे वो करूँ। द कंडक्टर क्लेम्ड इन, कंडक्टर चाइम्ड इन, आ गए फिर से अपना जोक्स मारने। ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो अपने जोक फरमाने लगा, भाई ये अकेले आई हैं, अकेले ट्रैवल कर रही हैं, पूरा किराया दिया है। वली को एक गुस्से भरी नज़र से कंडक्टर की तरफ वली ने देखा और कहती है एक्सक्यूज़ मी, तब बार बार तो मैडम भी कहना बंद कर दो, प्लीज़ रिमेंबर दैट यू हैव नॉट गिवन मी एनी टिकट, और याद करो मैंने पैसा दिया, तुमने मुझे टिकट नहीं दिया है। I'll remember, the conductor said. उसके ही टोन में जवाब देते हैं, I will remember, madam. और सब लोग हंसने लगते हैं और फिर वली को समझ में नहीं आता है तो वो भी हंसने लगती हैं। कंडक्टर एक टिकट निकाल कर उनको देते हैं, कहते हैं पर प्लीज़ अपने आप को कंफर्टेबल फील कराइए, आपने इसी सीट के लिए पे किया है, तो आप खड़ी क्यों हो रही हैं? तो कहती हैं क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। तो कंडक्टर कहते हैं बट यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न एंड हिट्स, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सिट चाइल्ड। तो कहते हैं देखिए
आप अगर गिर गई या बस ने ब्रेक लगाया तो आपको बम पड़ जाएगा, सर में गुलते आ जाएंगे, इसीलिए सब कह रहे हैं बैठ जाओ। तो कहते हैं देखो मैं 8 साल की हूँ, मैं चाइल्ड नहीं हूँ। तो कहते हैं ओ माई माई, आप 8 साल की, ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, आप कैसे छोटी बच्ची हो सकती हैं। फिर बस रुकी और कुछ नए पैसेंजर्स आए। अब ये नया सीन था, एक विमेन आके बैठ जाती है वली के पास, जो बड़ी रिपल्सिव सी, उनको स्ट्रॉन्ग डिसलाइक था उस विमेन के अगेंस्ट। क्यों? सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स। जो ईयर लोब्स में कुछ लोगों के जो ईयर होल्स होते हैं ईयरिंग वाले, वो क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं भारी ईयरिंग्स पहनने की वजह से, तो वैसे हो गए थे। शी कुड स्मेल द बीटल नेट, और उसने पान खाए हुए थे, तो वो जो डली बीटल नट होती है वो महक रही थी और विमेन खाई थी, और जो बीटल नट जूस था, पान का जो जूस था, वो जब बोल रही थी तो उनके लिप्स से बाहर आ रहा था, और इतना डरावना लग रहा था कि किसी भी मोमेंट वो उनके मुंह से बाहर गिर सकता है। सो शी वॉज फीलिंग वेरी डर्टी सॉर्ट ऑफ। वुड बी हु कुड बी सोशियबल विद सच अ पर्सन, सोचती कौन लोग इनके साथ सोसाइटी में रहते होंगे। Yes, I'm traveling all alone, she answered. वो पूछते हैं क्या तुम अकेले हो, तो कहती हाँ और मैंने टिकट भी लिया है। Yes, she's on her way to town, said conductor. What? With a 30 paise ticket. कंडक्टर कहते हैं हाँ ये मैडम है, इनके पास 30 paise का टिकट भी है, ये टाउन जा रही हैं। Oh, why don't you mind your own business? कहता है कि मतलब कंडक्टर तो हंसी रहा था, तो वो भी हंसी रही थी, मतलब क्योंकि अभी बहुत छोटी थी, तो कहती है क्यों नहीं आप अपना काम कर रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं बार बार। बट द ओल्ड विमेन वेंट ऑन ड्रिविल, और फालतू की नॉनसेंस करने लगी। ड्रिविल मीन्स सिली नॉनसेंस। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग गर्ल टू ट्रैवल अलोन, कितनी छोटी सी बच्ची है, सही है अकेले ट्रैवल, अकेले टाउन जाना, अकेले स्ट्रीट, कौन से हाउस नंबर पर जाना है। तो वली कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, और फिर वो विंडो की तरफ बाहर देखने लगी। अब हम पहुंच जाते हैं फेज 3 में। ये उसकी फर्स्ट जर्नी थी, बहुत केयरफुल, पेनस्टेकिंग, एलैबोरेट प्लान्स के साथ उसने पूरी जर्नी प्रिपेयर की थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसने मेहनत से ये पैसे सेव किए थे, कभी वो कहीं जाती थी तो उसको पेपरमिंट टॉय कुछ भी खरीदना होता था, कुछ नहीं खरीदती थी, तो सारे टेम्पटेशन, सारे अपनी लाइकिंग्स जो है उसने रेजिस्ट की थी, रोक रखी थी, तब ये 60 paise उसने कलेक्ट किए। हाउ डिफिकल्ट इट वॉज फॉर हर, ठीक है। आफ्टर शी हैड इनफ मनी, उसके बाद जो प्रॉब्लम थी, चलो पैसा किस तरह से कलेक्ट कर लिया, तो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि घर से कैसे निकलती और मम्मी को कैसे मैनेज करती और उनके नॉलेज के बिना कैसे जाके आ जाती, पर वो भी मैनेज कर लिया उसने। हर दिन लंच के बाद उनकी मम्मी सो जाती थी, ठीक है, फ्रॉम 1 to 4 या ऐसे कुछ। वली ऑलवेज यूज 3 hours फॉर एक्सकर्शंस, तो अपने जो एक्सकर्शंस होते थे, जो शौक होते थे बाहर देखने वाला, उस सब के लिए ये यही टाइम यूज़ करती थी। और कभी कभी वो इवन अगर जग जाती थी जल्दी, तो वो विलेज के लोगों से बात बात करती थी, ठीक है। तो वली अपना ये सब टाइम यूज़ कर लेती थी। बस रोल नाउ ऑन कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, जो बस है वो अब एक लैंडस्केप को क्रॉस करते हुए जा रही थी। वाटर वाला एरिया, कैनल वाला एरिया ख़त्म हो गया है। अब क्या था, अजीब सी वे साइड शॉप्स थी वहाँ पे, समटाइम्स बस एकदम अजीब सा टर्न ले रही थी, तो पेडेस्ट्रियन आ जा रहे थे, बट लो समहाउ ही पास्ट कुछ हर तरह के ऑब्स्टेकल्स को पार करके बस निकली, ठीक है। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, और पेड़ वल्ली को कैसे लग रहे थे जैसे उनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, तो ये है बचपन। हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट एंड देन सिंपली स्टूड देयर रशिंग इन द अदर डायरेक्शन, और फिर एक बार के लिए पास में खड़े हो जाते हैं हेल्पलेस फील करके, फिर पीछे भागने लगते हैं। ये सब वली का नज़रिया था। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड विद अ ग्ली। यंग काउ टॉल हाई इन द एयर वॉज रनिंग फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। एक काउ है एकदम बस के सामने, एकदम बीच में ही चल रही थी। बस धीरे हो गई और धीरे हो गई, हॉर्न बजाया, पर जो फ्राइटेन एनिमल थी वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रही थी और तेज़ भागती जा रही थी बस के ही सामने। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, क्यों पता नहीं पर ये सब वली के लिए बहुत फनी था। इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कंडक्टर पूछा हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, आज तुम बहुत हंस चुकी हो, अब कल के लिए बचा के रख लो। एट लास्ट काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और आखिरी में क्या हुआ, काउ जो है वो रोड से हट गई।
स्पेक ऑफ ट्रेन, अब काउ के हटने के बाद क्या आ गया, रेलवे क्रॉसिंग आ गया। अब एक ट्रेन जा रही थी जिसका साउंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा था और ट्रेन ऑल्सो ग्रू बिगर एंड बिगर इन साइज, ठीक है। और फिर वो क्रॉसिंग गेट से पार करते हुए बहुत तेज़ी से रोलिंग और रैटलिंग का साउंड करते हुए पास हो जाती है। उसके बाद आता है शहर, बड़ी बड़ी दुकानें, ब्राइट लुकिंग शॉप, ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स और बहुत बड़ा क्राउड। वली बहुत ज़्यादा डाउनस्ट्रक हो गई थी, वली सब कुछ देख रही थी, पर सब लोग उतर गए पर वली नहीं उतरी। कंडक्टर पूछते, हे लेडी क्या तुम्हें जाना नहीं है, 30 पैसे में यहीं तक आ सकती हो। तो वली कहती, नहीं मैं तुमको फिर से 30 पैसे दे रही हूँ और मुझे वापस ले चलो इसी बस से। तो कहते, क्या हुआ, कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम है। तो कहती, नहीं कोई मैटर नहीं है, मुझे बस राइड लेना था, मैंने ले लिया, मुझे वापस जाना है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, क्योंकि अब तुम यहाँ पर हो तो शहर नहीं घूमना चाहती हो। तो कहती है, ओ ऑल बाय माई सेल्फ आई एम टू मच अफ्रेड, और मुझे डर लगता है। तो कहता है कि बहुत खुश हो जाता है, वो सरप्राइज हो जाता है उस लड़की के वे ऑफ स्पीकिंग से। कहता है, लेकिन तुमको अभी तक तो डर नहीं लगा था बस में आने का। कहती है, उसके बारे में कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है, ठीक है चलो स्टॉल तक चलो, कुछ खा पी लो। कहती है, नहीं नहीं ये सब नहीं। तो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊँ। तो कहती है, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे टिकट दे दो बस। तो कहता है, ठीक है मेरी तरफ से खा लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो कहती है, नो प्लीज़ नो। कंडक्टर को इतना फॉर्मली जवाब सुन के वो चुप हो गया। फिर बस वापस चलती है, ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, ठीक है। फिर कंडक्टर पूछता है, क्या तुम्हें मम्मी तुम्हें खोज नहीं रही होंगी। नो नो कहती है, कोई मुझे नहीं खोज रहा होगा। और बस चलना शुरू होती है। वली बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी और फिर से सेम एक्साइटमेंट से सब कुछ को देख रही थी। बट सडनली अचानक से उसको वही यंग काउ डेड मिल गई रोड साइड पे, और अब वली जो है एकदम स्ट्रक हो गई। किसी फास्ट मूविंग व्हीकल से वो लड़के क्या हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। इज इट द सेम काउ दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ आ बस ऑन ट्रिप टू टाउन। कंडक्टर से पूछती है, क्या वही सेम काउ है। कंडक्टर का, हाँ। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, एकदम दुखी हो गई। कितना लवेबल क्रिएचर था, कितना देख के वली उसको हंसी थी, और अचानक से वो सारा चार्म अपना खो दिया। उसका लेग अलग, मतलब जो भी था, लाइफलेस, आईज, ब्लड हर जगह। वली इन सब से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। अब बस चल रही थी और पूरे बस जैसे जैसे चल रही थी, जो डेड काऊ का मेमोरी था उसकी नज़र के सामने था, और जितना एक्साइटमेंट था सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। वो चुपचाप बैठ गई, अपने सीट पे ग्लूड हो गई थी, एकदम चिपक गई थी, जब तक बस विलेज पे नहीं पहुंच गई। 3:40 तक शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, और वो बड़े आराम से उठती हैं, खुद को स्ट्रेच करती हैं। एंड देन शी टर्न द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन। ओके मैडम ही आंसर्ड स्माइलिंग, Whenever you feel like a bus ride, come and join us. And don't forget to bring your fare. और जब भी आप कौन हो आइएगा ज़रूर, लेकिन किराया लेके आइएगा। She laughed and jumped down the bus. And then away she went running straight to the home. Whenever she entered the house, she found her mother awake. जब वो पहुँचती तो उनकी मम्मी जगी हुई थी और वली की एक आंट से बात कर रही थी। The aunt was a real chatterbox. बहुत तेज तेज बात कर रही थी, उनका मुँह रुक ही नहीं रहा था। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, वली से पूछती है कहाँ थी तुम अभी तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और वो अपनी बात में मस्ती बस बोल के भूल गई। सो वली जस्ट स्माइल एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। येस यू आर राइट, सो मेनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी कॉन्ट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। उनकी मम्मी और वो कुछ तो बात करती हैं कि दुनिया में अंदर बाहर कितनी चीज़ें होती हैं, हम कितनी चीज़ों के बारे में जानते नहीं, कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं लेकिन हम समझ भी नहीं पाते हैं। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हो रही हैं पर हम क्या ही कर सकते हैं उनमें। और वली वहाँ पे बड़ी सांस लेके कहती है, ओ यस व्हाट आज योर मदर, क्या कह रही हो तुम। कहती है, नहीं नहीं हम सिर्फ यही कह रहे थे कि आप जो कह रही हैं वो ठीक है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी नॉलेज से बाहर होती है और हम कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वो ग्रोन लेडी। उनकी आंटी की कहती है, छोटी सी बच्ची है कैसे बोल रही है जैसे ग्रोन अप लेडी हो चुकी हैं, और वो जानती नहीं है वली उन लोग से ज़्यादा ग्रोन अप है।
वाली स्माइल टू हर सेल्फ, काफ़ी मेच्योर थी, खुद पे ही स्माइल करती हैं, और वैसे भी वो लोग उनकी स्माइल समझे नहीं और वो ज़्यादा समझाना भी नहीं चाहती थी, बट देन देयर वॉज इन मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और उनकी स्माइल समझने का ज़्यादा चांस भी नहीं था उन लोगों को, कैसे ही समझ जाती। और ये रही हमारी स्टोरी अबाउट दिस वेरी 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 स्मॉल गर्ल हु वॉज ओवर मेच्योर्ड, हु वॉज वेरी सेंसिटिव और वेरी सिंसियर, जिसने लाइफ को इतने क्लोजली एग्जामिन किया। दीज आर सम क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू नीड टू राइट इन योर कॉपी। All these questions are from your textbook, जिसके answers भी दिए हुए हैं। That's all for this video. Thank you. Have a good day.